गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस में जाने से पहले हम एक छोटा सा जिंगल है, इसको याद रखेंगे। इनके बेसिस पे ही हम सॉलिड लिक्विड गैस को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर ये आपको समझ में आ जाएगा, ये सारी चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी, तो आगे कभी भी आपका डिफरेंस में कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है 2 या 3 नंबर का आपके एग्जाम में कि डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो ये प्रॉपर्टी जानते हैं किस बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा जिंगल है जो आपको लर्न करने की ज़रूरत है। इसको एग्जाम में लिखना नहीं, केवल आपको समझना है और आपको इसको लर्न करना है। जिंगल क्या है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद पुराना रहता है। जिंगल है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद पुराना रहता है और इनकी फितरत में दिल दीवाना रहता है। बढ़िया से आपको याद रहेगा, एकदम शायरी की तरह है कि आपका मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद पुराना रहता है और इनकी फितरत में दिल दीवाना रहता है। तो इसको हम लोग, इसका मतलब क्या है, मेरे का मतलब है M, सामने का मतलब है S, वाली का मतलब है V, खिड़की का मतलब है K, मे का मतलब है M, एक से मतलब है आई, चांद से मतलब है सी, पुराना से मतलब है पी, रहता है से मतलब है आर, इनकी से आई, फिदरस से एफ, दिल से डी, दीवाना से डी। तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ आपका मेरे सामने वाली खिड़की, यहाँ तक देखते हैं मेरे सामने वाली खिड़की, तो एम से हो जाएगा मास, एस से हो जाएगा सेप, वी से हो जाएगा वॉल्यूम, के से हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, फिर मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद पुराना रहता है। यहाँ तक देखते हैं मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद पुराना रहता है। तो यहाँ से मैंने बताया एम से मास, एस से सेप, वी से वॉल्यूम, के से काइनेटिक एनर्जी, फिर एम से हो जाएगा मोशन ऑफ पार्टिकल, आई से हो जाएगा इंटर पार्टिकल स्पेस, सी से हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी, पी से हो जाएगा पैकिंग, आर से हो जाएगा रिजिडिटी। उसके बाद हो जाएगा, जैसे मैंने बताया मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद पुराना रहता है, इनकी फितरत में दिल दीवाना रहता है। तो इनकी हो जाएगा, आई से हो जाएगा इंटर पार्टिकुलर फोर्स, एफ से हो जाएगा फ्लूडिटी, डी से हो जाएगा डिफ्यूजन, और डी से हो जाएगा आपका क्या, डेंसिटी। तो डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड इन गैस में ये छोटा सा जो जिंगल बता के आपको समझाने की हमने कोशिश की है, उसी जिंगल को आपको थोड़ा सा लर्न करना है और इसी के बेसिस पे हम प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड इन गैस। हमने एक जिंगल बताया आपको, उस जिंगल के बेसिस पे क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। वो जिंगल आपका प्रॉपर्टी है सॉलिड लिक्विड एंड गैस का, उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम सॉलिड लिक्विड और गैस को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर सॉलिड के पार्टिकल को, किसी भी सॉलिड के पार्टिकल को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो हम उनके पार्टिकल को में क्या देखेंगे, सारे पार्टिकल बहुत पास पास हैं, सारे पार्टिकल पास हैं, पार्टिकल के बीच में गैप है तो बहुत कम गैप है। दूसरा, अगर हम लिक्विड के स्ट्रक्चर को देखते हैं, लिक्विड के पार्टिकल को देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा दूर दूर है। और रही बात गैस के, तो गैस के पार्टिकल के बीच में तो इतनी जगह है कि जहां हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जहां पढ़ा रहे हैं, हम आपको जहां पढ़ा रहे हैं, आप जहां पढ़ रहे हो वो गैस में ही बैठ के पढ़ रहे हैं। तो आप सोचिए गैस के पार्टिकल के बीच में कितना गैप है। तो इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा, जब भी हम कोई भी डिफरेंस को देखेंगे तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान में रख के बात करेंगे। समझ गए कि नहीं, ये क्यों पास है, ये क्यों थोड़ा दूर है, ये क्यों बहुत दूर है, उसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो वन वन हम लोग डिफरेंस को देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने बताई थी मास। अगर हम मास की बात करेंगे तो सॉलिड का मास होगा वो डेफिनेट होगा, फिक्स होगा, लिक्विड का मास भी डेफिनेट होगा और गैस का मास भी डेफिनेट होगा, क्योंकि किसी भी मैटर के मास ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। आपने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, या हम आपको बताएंगे इसके बारे में और डिटेल में। तो मास आपका कभी भी चेंज नहीं हो सकता, जिस मैटर का जो मास है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में, चाहे गैस फॉर्म में। इस तरह से हम कहते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का मास क्या होता है, आपका डेफिनेट होता है। बट हम उसके शेप के बारे में बात करेंगे तो सॉलिड का शेप क्या होगा, डेफिनेट होगा, डेफिनेट होगा, फिक्स होगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं। सपोज करो ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं ऐसे रख दूंगा, कल पढ़ाऊंगा तो कल भी इसी शेप में रहेगा,
फिर उसके नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा तभी उसी शेप में रहेगा, तो जिस जैसे रख दूंगा उसी शेप में रहेगा। किसी कंटेनर में रखने से इसके शेप में कभी भी कोई चेंज आने वाला नहीं है। इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि पार्टिकल इसके पास पास है और एक यूनिफॉर्म पार्टिकल के अरेंजमेंट होने की वजह से इसके शेप में कभी भी कोई चेंज नहीं आता है। दूसरा, अगर हम बात करें शेप लिक्विड का, तो इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट का मतलब उसका शेप हम चेंज कर सकते हैं। सपोज करो एक कंटेनर है जिसमें आपने पानी लिया, ये बॉटल है, एक छोटा सा ये बॉटल है ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ये स्प्रिट। इस स्प्रिट को अगर हम इस छोटे से कंटेनर में रखते हैं तो इसके शेप में आ जाएगा। अगर इसको हमको फर्श पे गिरा देते हैं तो फर्श के शेप पे आ जाएगा। अगर किसी पॉलीथीन में रखेंगे तो पॉलीथीन के शेप में हो जाएगा। किसी बकेट में रखेंगे तो बकेट के शेप में हो जाएगा। इसका रीजन है कि पार्टिकल थोड़ा दूर दूर है और पार्टिकल दूर होने की वजह से पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर हम पार्टिकल को इसको कहीं रखते हैं लिक्विड का, तो उसमें थोड़ा थोड़ा मोशन होना क्या हो जाता है आपका स्टार्ट हो जाता है। तो उस मोशन की वजह से जो आपका मैटर रहेगा जिस कंटेनर में रहेगा उसी कंटेनर के शेप को क्या करेगा, आप उपाय कर लेगा। तो हम लोग कहेंगे कि शेप के बारे में, तो सॉलिड का शेप डेफिनेट है, लिक्विड का शेप इनडेफिनिट है, और गैस का तो कोई शेप ही नहीं है। गैस का भी इनडेफिनिट ही शेप होता है। इस कमरे का जो गैस मॉलिक्यूल है इस कमरे के शेप के बराबर है। अगर हम इसको कहीं किसी सारे इस कमरे के सारे गैस को इकट्ठा कर दे तो इतना सा आएगा, पास में आएगा। तो अगर हम इसको छोटे से कंटेनर में रखेंगे तो उसके शेप के बराबर हो जाएगा। तो जहां रखेंगे उस गैस को उसी शेप को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। इसका भी वही रीजन है कि पार्टिकल के बीच में गैप बहुत ज्यादा होने की वजह से पार्टिकल एक दूसरे से क्या होते हैं, आपके दूर भागने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में जिस शेप का कंटेनर रहेगा उसी शेप को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे वो है आपका वैल्यूम। वैल्यूम क्या होता है आपका, सॉलिड का डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। फिक्स होने का वही रीजन, पार्टिकल पास पास है। लिक्विड का भी वैल्यूम फिक्स होता है। अगर हम 10 लीटर पानी लिए, 20 लीटर पानी लिए, उसका वैल्यूम फिक्स है। लेकिन हम गैस की बात करेंगे तो गैस का वैल्यूम क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। इसका रीजन है क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में इतना गैप होता है कि कोई भी आके इसकी ऑक्यूपाई कर लेता। सपोज करो जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल हैं, इसी गैस में आके मैं घुस गया तो मेरा जो वैल्यूम होगा, गैस का जो वैल्यूम होगा, टोटल वैल्यूम आ जाएगा आपका। तो टोटल बहुत सारे वैल्यूम हो जाएंगे गैस के। तो इस तरह से जो गैस का वैल्यूम होगा वो क्या होगा आपका बेटा, इनडेफिनिट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा बताते हैं आपका, द एनर्जी ऑफ मोशन। जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा होगा, व्हाट इज द एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डूइंग वर्क। किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और अगर मैकेनिकल एनर्जी होते, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, ऐसी एनर्जी जिसके थ्रू हम कोई काम करते हैं उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी ऑफ द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और जब कहीं आप खड़े रहते हो तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू देयर पोजिशन। पोजिशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल की लीस्ट होती है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल अगर मूव भी करेंगे तो अपने पोजीशन पे मूव करेंगे, अपनी जगह पे रखकर अप डाउन या लेफ्ट राइट कैसे भी मूव करेंगे, बट पार्टिकल कहीं एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएंगे। दूसरा अगर हम बात करेंगे लिक्विड के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, जिसमें थोड़ा सा मॉडरेट होगा, मतलब इसमें सबसे कम होगा, लिक्विड में थोड़ा सा क्या होगा आपका, इससे ज्यादा होगा। इससे ज्यादा होगा मतलब लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं। अगर लिक्विड को, किसी भी लिक्विड को हम फर्श पे गिराते हैं तो आप देखोगे सारे लिक्विड एक साथ एक तरफ क्या करते हैं आपके, फ्लो करते हैं। ये फ्लो करने का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की कोशिश करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की कोशिश क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो पानी को अगर हम कहीं गिराएंगे तो पानी के सारे पार्टिकल एक तरफ क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। अगर हम इस सॉलिड मार्कर को यहाँ रख देंगे तो मार्कर में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, अपने पोजीशन कोई चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच का जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका बहुत लीस्ट है। और अगर पार्टिकल मूव भी करें तो अपने पोजीशन पे मूव करें। जैसे मैं खड़े होकर अपने पोजीशन पे मूव करता हूँ तो एक घंटा, दो घंटा, दस घंटा, बीस घंटा, चाहे जितना मैं मूवमेंट करता हूँ अपने पोजीशन पे रह के, मेरा पोजीशन नहीं चेंज होगा, मैं अपनी जगह पे रहूंगा। तो इस तरह से हम अगर बात करेंगे गैस मॉलिक्यूल की, तो गैस मॉलिक्यूल के बीच में तो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। आप इमेजिन करिए, अगर इस कमरे में एक अगर बत्ती जला देते हैं,
अगरबत्ती जलाएंगे तो अगरबत्ती के जो फ्रेग्रेंस जो गैस बाहर निकल के आएंगे वो गैस थोड़े समय में आपके कमरे के अंदर ऑक्यूपाई कर लेंगे और जो भी स्मेल रहेगा जो भी फ्रेग्रेंस रहेगा वो फ्रेग्रेंस आपको क्या करेगा आपको महसूस होगा फील करोगे आप। लेकिन क्या वो फ्रेग्रेंस पूरी जिंदगी के लिए रहेगा? आंसर इज नो। रीजन क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल है इतना ज्यादा उनके पास काइनेटिक एनर्जी है कि उस काइनेटिक एनर्जी से धीरे 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 पता नहीं कहाँ डिफ्यूज हो गए, पता नहीं कहाँ चला गया फ्रेग्रेंस, और कुछ समय के बाद एक दो घंटे बाद या एक दिन बाद वो फ्रेग्रेंस पूरी तरह से क्या हो गया आपके कमरे से गायब हो गया। इसका मतलब जो गैस के पार्टिकल है उनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है किसके कंपेयर में? लिक्विड एंड सॉलिड के कंपेयर में। उसके बाद हम बात करेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस। पार्टिकल जो पार्टिकल होंगे उसके बीच का जो स्पेस होता है इसी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज कॉल्ड, द स्पेस बिटवीन द टू पार्टिकल इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेस। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखते हो सॉलिड के, लिक्विड के और गैस के, तो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में गैप तो है, ऐसा नहीं कि गैप नहीं है, लेकिन ये गैप थोड़ा क्या है आपका कम है, और लिक्विड का गैप क्या है थोड़ा ज्यादा है, और गैस के बीच में तो बहुत ज्यादा इंटर पार्टिकल क्या होता है आपका स्पेस होता है। तो अगर मैं कहता हूँ ये दीवार है, इस दीवार में मैं घुसना चाहता हूँ, तो मैं घुस नहीं पाऊंगा क्योंकि इनके बीच में गैप क्या है आपका बहुत कम है, बहुत छोटे पार्टिकल को हम इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो पूरे तालाब में आप कूद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना? लेकिन क्या सब लोग तालाब में कूद सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि गैप तो होता है लेकिन इतना भी गैप नहीं होता है कि सब लोग उसमें समा जाए। बट गैस के मॉलिक्यूल के बीच में देखिए एयर है, पूरी दुनिया इसी एयर में बसी हुई है, आपका घर है, आप सब लोग एयर में बसे हुए, मतलब क्या है कि एयर के पार्टिकल के बीच का इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है आपका मैक्सिमम होता है। तो अगर हम इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करें तो सॉलिड में मिनिमम होगा, लिक्विड में मॉडरेट होगा, और गैस में क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा। अगली प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। अगर हम पार्टिकल बहुत पास पास है बेटा तो उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। क्यों? पास पास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, पार्टिकल के पास पास होने की वजह से जो मैटर बनता है उसका एक डेफिनेट शेप आता है। तो अगर मैं कहता हूं इस मार्कर को मैं कंप्रेस करके एकदम छोटा कर लेता हूं तो इट इज इम्पॉसिबल, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक नॉर्मल फोर्स पे हम इसको कभी भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी इसकी क्या है? बिल्कुल जीरो है, ऑलमोस्ट कंप्रेस नहीं होता है, नॉट कंप्रेस, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड को थोड़ा कंप्रेसिबिलिटी है लेकिन बहुत ज्यादा लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। बट अगर गैस मॉलिक्यूल की बात करें बेटा तो गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। रीजन क्या है कि पार्टिकल दूर दूर है तो हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखते हैं पैकिंग ऑफ पार्टिकल। पैकिंग ऑफ पार्टिकल मतलब पार्टिकल का पैकिंग कैसा, पैटर्न कैसा, वो उस मैटर के अंदर कैसे अरेंज है, अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल देखते हैं सॉलिड में, तो सॉलिड में कहेंगे क्लोज्ड पैकिंग। क्लोज्ड पैकिंग मतलब क्या होता है? बहुत पास पास है पार्टिकल, इस पैकिंग को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं। उसके कंपेयर में अगर हम लिक्विड के देखेंगे तो लेस क्लोज्ड पैकिंग। लेस क्लोज्ड पैकिंग मतलब पार्टिकल थोड़ा थोड़ा दूर है तो उसके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा क्लोजली पैकिंग नहीं है। और अगर हम बात करें गैस का तो लीस्ट क्लोज पैकिंग, मतलब लीस्ट क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल भी क्लोज पैकिंग है ही नहीं, पार्टिकल इतना दूर दूर है कि कोई एक रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर शेप, रेगुलर कुछ भी बन के नहीं आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? लीस्ट क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं बेटा, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब हार्डनेस। तो स्ट्रक्चर से आपका सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि भाई सॉलिड के जो पार्टिकल हैं बहुत पास पास हैं, लिक्विड का उसके कंपेयर में दूर है, और गैस के पार्टिकल तो बहुत ही दूर है। तो इस तरह से अगर पार्टिकल पास है तो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो आप सपोज करिए इसको तोड़ना है तो आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर सोचिए कि सोचो ये पार्टिकल है सॉलिड में, सोचिए कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल के प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं, 20 कुल रख देते हैं, तो उसको तोड़ेंगे, तोड़ने में हमको दिक्कत होगी। समझ गए कि नहीं? इसका मतलब सॉलिड के पार्टिकल अगर पास पास हैं तो उसकी रिजिडिटी क्या होगी? बहुत हाई होगी। तो ये जो सॉलिड के जो पार्टिकल है उसकी हाई रिजिड है, उसके कंपेयर में अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो क्या आपके लेस रिजिड हैं, और जिसमें कोई रिजिडिटी ही नहीं है वो क्या है आपके गैस के पार्टिकल है, क्योंकि गैस जो हमारा होता है वो बिल्कुल भी रिजिड नहीं होता। तो सबसे ज्यादा रिजिड कौन होगा बेटा? सॉलिड होगा, फिर लिक्विड होगा, फिर क्या होगा आपका गैस होगा। फिर देखते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल। अगर पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक है, इसका सिंपल सिंपल मतलब है
कि देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा उसका बहुत ज़्यादा है। अगर हम आप बहुत पास आते हैं या आप हमारी लेक्चर को अटेंड करते हैं या कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है उसके पास जाने की कोशिश करते, इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को बहुत क्या करते हो, पसंद करते हो। पसंद करने का सिंपल सिंपल मतलब है कि वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो जो पार्टिकल है अपने पोजिशन को कभी भी छोड़ेगा नहीं, तो अपने पोजिशन को कभी नहीं छोड़ेगा तो उस तरह जो मोशन होगा उसके ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे पेंडुलम, घड़ी के अंदर पेंडुलम आपका घूमता है तो पेंडुलम अपने ही पोजीशन पर रह के इधर उधर जाता है, तो अपने पोजीशन को कभी भी नहीं छोड़ता। सपोज करो इसको ऐसे कर दिया, ये अपने पोजीशन तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। दैट मीन्स पार्टिकल नेवर चेंज देयर पोजीशन, पार्टिकल कैन मूव एट देयर मीन पोजीशन, मतलब पार्टिकल अपने ही मीन पोजीशन पे ही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, लेकिन पार्टिकल जहां है अपने मीन पोजीशन को कभी भी छोड़ नहीं रहा है। ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो जो सॉलिड है आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, पास पास है तो उनके पास जो मोशन होगा उसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, बट उसके कंपेयर में लिक्विड की बात करें तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन उसके अंदर होगा। वो पार्टिकल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है तो ट्रांसलेटरी मोशन है। और रही हुई गैस की बात, उसमें ट्रांसलेटरी मोशन होगा लेकिन बहुत ज्यादा होगा, गैस के मॉलिक्यूल गैस के पार्टिकल बहुत तेजी से एक जगह से दूसरे जगह क्या करेंगे, मूव करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टेंथ प्रॉपर्टी का, जिसको कहते हैं इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो इसके बारे में तो बहुत ज्यादा देखना भी नहीं क्योंकि बार बार हम इसी का जिक्र करते हुए आए हैं। तो आप देखेंगे जो सॉलिड के पार्टिकल है उस पार्टिकल के बीच में वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रीजन क्या है, पार्टिकल आर क्लोजली पैक टू ईच अदर, पार्टिकल एक दूसरे के क्लोजली पैक है, पास है, इसकी वजह से पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। और रही बात लिक्विड की, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर में कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि लिक्विड के पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह अपने आप बहुत दूर तक चले जाएं। लिक्विड पार्टिकल कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस बट ऑल पार्टिकल मूव टूगेदर, गैस की तरह मूवमेंट नहीं हो रहा कि कोई किधर भी जा रहा है कोई किधर भी जा रहा है, लिक्विड कैन मूव टूगेदर, एक साथ साथ जा रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बट सॉलिड के कंपेयर में क्या होता है आपका, कम होता है। और रही बात गैस का, तो गैस के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग इसको कह सकते हैं। इससे इसको हम लोग अगला जो 11th प्रॉपर्टी देखते हैं, 11th प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं फ्लूडिटी। फ्लूडिटी मीन्स होता है कैन फ्लो, द स्टेट ऑफ मैटर कैन फ्लो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो जो फ्लूइड दिमाग में चलता है तो दिमाग में चलता है कि भाई ये लिक्विड ही फ्लो फ्लूइड होगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी मैटर जो फ्लो करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूडिटी कहते हैं। हम आपको पता है सॉलिड का स्ट्रक्चर बार बार हम लोग देख रहे हैं तो हमको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास है तो सॉलिड कैन नेवर फ्लो, अगर हम इन मार्कर को यहीं रख दें जिंदगी में कभी फ्लो नहीं करेगा, बट अगर घर में पानी गिरा के जाओ तो हो सकता है पानी अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाए। रही बात गैस का, जो अगरबत्ती का मैंने एग्जाम्पल लिया, इट कैन वेरी हाईली फ्लो, क्यों, रीजन काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरह से हम बात करेंगे सॉलिड के बीच में नॉट पॉसिबल फ्लूडिटी बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा, बट अगर हम लिक्विड की बात करें इट कैन फ्लो, ये फ्लो करेगा। और अगर हम बात करें गैस की तो इसके अंदर फ्लो करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। जो 12th प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है कि बायो मॉलिक्यूल एक जगह से इस सिंपल एक लैंग्वेज में डिफ्यूजन को बताया इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का आपस में इंटरमिक्स होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। बाकी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो सॉलिड के जो पार्टिकल है वो तो इतना पास पास है कि किसी के साथ मिक्स ही नहीं हो सकते हैं, तो डिफ्यूजन अगर होगा भी तो बहुत स्लो होगा, वेरी स्लो डिफ्यूजन, मतलब लग जाए दसियों साल लग जाए डिफ्यूज होने में या बीसियों साल लग जाए पार्टिकल के डिफ्यूज होने में। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, लिक्विड के बारे में, तो ये किसके कंपेयर में फास्ट डिफ्यूजन होगा, सॉलिड के कंपेयर में डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट होगा। और सबसे ज्यादा तेजी से डिफ्यूज करने वाला कौन है आपका, गैस है। तो लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। वॉल्यूम अगर देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगा और अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगा आपका, कम होगा। तो अगर हम बात करेंगे सॉलिड के बारे में, तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा, सॉलिड का वॉल्यूम जो होगा आपका वो
कम होगा, तो सॉलिड का अगर वॉल्यूम कम है तो सॉलिड की डेंसिटी हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके कंपेयर में अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में, और इसकी वजह से इसकी डेंसिटी थोड़ी क्या होगी, कम होगी। तो अगर हम बात करेंगे डेंसिटी किसके, किसकी डेंसिटी सॉलिड की, तो ज्यादा होगी, क्यों, वॉल्यूम कम है। और अगर हम बात करेंगे इसकी डेंसिटी की लिक्विड की, जो स्लाइटली लोअर होगी, उसकी डेंसिटी थोड़ी क्या होगी, कम होगी। और सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी बेटा, गैस की, क्योंकि गैस के पार्टिकल के बीच में इतना ज्यादा जगह है, इसका वैल्यूम हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर इसका वैल्यूम मैक्सिमम होगा तो डेंसिटी क्या होगा आपका, मिनिमम होगा। तो सबसे कम डेंसिटी हो, सबसे कम वैल्यूम किसका होता है, सॉलिड का, सबसे ज्यादा वैल्यूम किसका होता है, गैस का। सिंपल सिंपल सा रीजन है, इसका वैल्यूम सबसे कम होगा क्योंकि पार्टिकल बहुत पास पास है, और गैस का वैल्यूम सबसे ज्यादा क्योंकि पार्टिकल के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। तो वैल्यूम हमेशा कोई फिक्स ही नहीं होता, इनडेफिनिट वैल्यूम आपने पढ़ा है, तो वैल्यूम बहुत ज्यादा है तो डेंसिटी बहुत कम है, तो जो गैस है उसकी डेंसिटी बहुत कम है, सॉलिड जो है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और बीच में फंसा बेचारा लिक्विड, लिक्विड जिसकी डेंसिटी क्या होती है, मॉडरेट होती है। तो ये आपको बात समझ में आई होगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस।